वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का गोल्डन न्यूज़ चैनल में। तो गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आज जो है सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में एक बार फिर से बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो ऐसे में यदि आप भी सोने अथवा चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। तो चलिए फटाफट से हम जान लेते हैं कि आज सराफा बाजार में सोने और चांदी के क्या भाव चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिन इस पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लगातार तीसरे दिन सोने में बड़ी गिरावट, 1000 रुपए से ज्यादा गिरे दाम। जी हां दोस्तों, दो दिन में सोने का रेट 570 रुपए गिरा। स्थानीय सराफा बाजार में 99.9% और 99.5% वाला सोना प्रत्येक 310 रुपए गिरकर क्रमशः 33,770 रुपए और 33,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। पिछले दो दिन में सोना 570 रुपए गिरा है और इससे पहले गुरुवार को सोना 450 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई थी। इस तरह से पिछले दिन में सोना 1,020 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर गया। हालांकि 8 ग्राम वाली गिन्नी 26,500 रुपए प्रति इकाई पर टिकी रही। वहीं बात करें चांदी के भाव की तो चांदी के सिक्के के भाव में बदलाव नहीं देखा गया है। चांदी हाजिर 730 रुपये गिरकर 39,950 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई थी। साप्ताहिक आपूर्ति वाली चांदी का भाव भी 840 रुपये टूटकर 38,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया था।